Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow. जब से शार्लेट के स्कूल स्टार्ट हुए हैं तब से मॉर्निंग्स हमेशा बिजी होने लग गई है। एक टाइम होता था मुझे विंटर्स बहुत पसंद आते थे अनटिल मैं कनाडा मूव नहीं हुई, बिकॉज कनाडा में स्कूल जाते टाइम बच्चों को इतने अच्छे से रेडी होना पड़ता है विंटर्स में, स्नो पैंट्स, जैकेट्स, पता नहीं क्या क्या। क्विकली शार्लेट को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैंने आके अपना ब्रेकफास्ट बनाया। अभी स्कूल सिर्फ 2.5 घंटे का होता है तो आना जाना बीच में ब्रेकफास्ट बनाने में ही सारा टाइम निकल जाता और पता भी नहीं लगता कि वापस घर लाने का टाइम कब आ गया। काफ़ी दिनों से मैंने मैट्रेस की क्लीनिंग नहीं करी थी तो इसीलिए आज मैंने मैट्रेस के ऊपर बेकिंग सोडा डाला एंड 20 मिनट्स के बाद उसको अच्छे से वैक्यूम कर दिया और उसके बाद एकदम फ्रेश उसके ऊपर शीट बिछा दी। ऐसा करने से मैट्रेस एकदम क्लीन हो जाती है और नॉर्मली मैट्रेस को क्लीन करने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, बट दिस वन वर्क्स रियली रियली वेल। सिंस स्प्रिंग इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर तो अब थोड़ा टाइम है अपने क्लॉजेट को दोबारा से रिफ्रेश करने का। एंड ट्रस्ट मी, मेरे क्लॉजेट पे इस टाइम पे सारे विंटर वेयर, सारे इंडियन ट्रेडिशनल वेयर, उसके अलावा ड्रेसेस स्प्रिंग की, सब कुछ एक साथ है और इस वजह से बहुत ही मेफ्ड अप हुई हुई थी मेरी क्लॉजेट। और ये कुछ ऐसा काम है जो मैं काफ़ी टाइम से करना चाहती थी, बट बींग सच अ लेजी वूमेन आई एम, मैंने सच में ये काम काफ़ी दूर तक रखा रहने दिया एंड टुडे आई हैव डिसाइडेड टू फाइनली गेट थ्रू इट। सारे जितने भी मेरे एवरीडे पहनने वाले कोट्स हैं या ब्लेजर्स हैं वो मैंने बाहर वाली क्लॉजेट में रख दिए सो डैट इजीली एक्सेसिबल हो जाए। उसके अलावा कपड़ों को मैं अच्छे से लगाने वाली हूँ, बिकॉज मुझे ना ऐसे कलर पैटर्न लगाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब मैं अपने क्लॉजेट को क्लीन करती हूँ। तो बहुत सारे इनमें से ड्रेसेस हैं, बहुत सारी टॉप्स हैं जो मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, तो मैंने सोचा वो सारे मैं डोनेट कर दूँ। और इनमें कई सारे कपड़े एकदम ब्रांड न्यू भी थे तो पता नहीं क्यों मैंने वो कपड़े लिए, क्योंकि मैंने वो पहने ही नहीं। एंड देन जो स्टेप्स हैं ना इनसे बड़ा फ़ायदा होने लग गया, ये सनी रिसेंटली लेके आया है एंड आई वॉज लिटरली सेइंग कि मेरी हाइट लग रहा है मुझे छोटी हो गई है और मेरे को स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, बट सच में इट्स रियली हेल्पफुल। काफ़ी सारे मैंने कपड़े अपने सॉर्ट आउट कर लिए, बहुत सारे कपड़े चैरिटी के लिए भी निकाले हैं डोनेशन के लिए। एंड देन उसके अलावा मौसम अच्छा होने वाला है तो काफ़ी सारी कुर्तियाँ भी मैंने बाहर निकाली हैं जो मुझे पहननी है। अब जो कपड़े जैसे डोनेशन वगैरह में दे देते हैं ना तो उनको जो तो ब्रांड न्यू होते हैं वो तो मैं ऐसे कैसे पैक कर देती हूँ, और जो पहने हुए होते हैं उनको मैं वॉश करने के बाद ही डोनेट करती हूँ। तो अब अच्छे से मेरी क्लॉजेट क्लीन हो गई है एंड आई एम सो हैप्पी टू सी माई कुर्तीज़, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव वेयरिंग कुर्तीज़ इन स्प्रिंग और समर। तो लंच में आज मैं बैगन का भरता बना रही हूँ। ये ऐसी रेसिपी है जो वंस इन अ वाइल ही बनती है, क्योंकि मेरे पास ये वाली फ्लेम नहीं है तो ये बारबेक्यू पे मैं करती हूँ और यहाँ पे सनी मेरी हेल्प कर रहे थे कराने के लिए। तो बैगन को मैंने ऐसे कट करके उसके अंदर थोड़े से ना गार्लिक डाले हैं, आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, बट गैराज में ना बहुत स्मेल आ जाती है उसकी। और उसके बाद उसको अच्छे से रोस्ट कर लिया है और यहाँ पे प्याज में अदरक डाल के मैं इसको अच्छे से चॉप करने वाली हूँ और एक अपनी बढ़िया सी कढ़ाई के अंदर इसको बनाने वाली हूँ। और इन द मीन टाइम शार्लेट का अमेजोन से इसका कुरियर आ गया, ये माइक्रोवेव मंगाया है। सच में यहाँ पे टॉयज मेरे को इतने अच्छे लगते हैं, इतने प्रैक्टिकल होते हैं, आई थिंक वो बच्चों को ना पहले से यहाँ की जो लाइफ है ना उसको सिखाते हैं। तो ये इसमें जो अंदर ट्रे है ना वो भी ऐसे रोटेट हो रही थी, विच वॉज रियली अमेजिंग। तो तेल के अंदर मैं ऐड करूँ थोड़ा ज़ीरा और उसमें थोड़ी सी हींग डालने के बाद जो मैंने प्याज को अदरक के साथ चॉप किया है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है थोड़ी और इसको अच्छे से मैं भूनने वाली हूँ। और इसको भूनने के बाद इसके अंदर मैं ये बैगन और टमाटर ऐड करूँगी, और टमाटर को भी ना अच्छे से ऐसे भून लिया ना तो बहुत ही यमी टेस्ट आता है इसका। तो बैगन की स्किन उतारने के बाद इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ना ये बैगन का भरता मैं वंस इन अ वाइल बनाती हूँ ना तो मैं अच्छे से 2-3 बैगन का एक साथ ही बनाती हूँ, सो डैट थोड़ा सा ना लेफ्ट ओवर और बाद में खाने का भी मौका मिल जाए। तो इसमें जो बेसिक मसाले हैं नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर वो ऐड करने के बाद टमाटर ऑलरेडी काफ़ी पके हुए थे तो उसको ऐसे थोड़े से क्रश कर लिया और टमाटर को भी मिक्स कर लिया। और थोड़ी देर बाद इसमें भुने हुए बैगन थे ये मैंने इसमें ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर तक पकाना है और पकाने के बाद लास्ट में इसमें मैंने हल्का सा अमचूर पाउडर डाला है और उसके बाद मैं इस पर हरा धनिया डाल
के इसको सर्व करने वाली हूँ। मुझे बहुत पसंद है बैगन का भरता बनाना, बट जैसा मैंने आपको बताया कई लोग अवन में ही बनाते हैं, बट सच में मेरे को अवन में बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अवन में वो बर्स्ट ना हो जाए, ऑल दो उसमें हम कट्स लगा सकते हैं, बट आई डोंट नो मेरे को कितना डर लगता है। बट हाँ, यहाँ मैंने शार्लेट के लिए प्लेट सर्व कर दी है और शार्लेट में एक साथ इंजॉय कर। सो गाइज, अगर आपको भी मेरी तरह बहुत बढ़िया ट्रैवलिंग वीडियोस देखनी पसंद है, आप लोगों को पता ही है कि मैं ट्रैवलिंग व्लॉग्स कितने ज्यादा खुद भी देखना एंजॉय करती हूँ, तो मेरे ब्रदर का फ्रेंड है और उसका अपना एक यूट्यूब चैनल है, आई पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट। और उनके चैनल पे ओ माई गॉड इतनी अच्छी वीडियोज है, द क्वालिटी ऑफ द वीडियोज आर अमेजिंग, द सिनेमैटिक शॉर्ट्स, ड्रोन शॉर्ट्स, मतलब इट्स बीन 5 years कि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, बट ऐसे शॉर्ट्स देखना मेरे को बहुत ही पसंद है। मतलब आई ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड वॉचिंग ऑल दिस, ऑल दो आई नो इट्स प्रीटी डिफिकल्ट फॉर मी ये सारे शॉर्ट्स ऐसे लेना या इतनी ट्रैवलिंग करना, बिकॉज आई हैव अ फैमिली एंड अ रूटीन। बट इफ यू आर समवन जिनको ट्रैवलिंग पसंद है या बहुत अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉर्ट्स देखने पसंद है, कैनेडा की बहुत सारे यू नो जगहें देखनी पसंद है, बिकॉज कैनेडा इज सच अ बिग कंट्री और खूब सारे कुछ नए नए एडवेंचरस चीजें देखने का शौक है ना, यू गाइस शुड डेफिनेटली चेक इट आउट हिज चैनल। मेक श्योर उनका चैनल सब्सक्राइब करना, उनको खूब सपोर्ट देना और उनकी जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, स्पेशली जिनको कैनेडा देखना है या ट्रैवलिंग देखनी है या बहुत सारी चीजें देखनी है और हर बार कंटेंट में कुछ नयापन देखने चैनल पे। सो प्लीज मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड प्लीज सपोर्ट आवर फ्रेंड इन हिज यूट्यूब जर्नी। शाम को यूजली हमारा आधे पौने घंटे का स्टडी टाइम होता है, कई बार 1 घंटे का भी होता है, डिपेंड करता है, इतने छोटे बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है, बट हाँ उनके साथ स्ट्रिक्टली बैठ के पढ़ाना भी बहुत जरूरी होता है। और आजकल शार्लेट ऐसे ट्रेस करने के अलावा ऐसे फ्री स्टाइल भी लिखती है, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो अब पता चल रहा है सच में। बट शाम को नॉर्मली मैं उसके लिए कोई ना कोई स्नैक बनाती हूँ, और अब मैंने रिसेंटली इस लास्ट वीडियो जो है उस मैंने शेयर करा है अपनी ब्रेकफास्ट रेसिपीज, और उस मैंने रागी से बनी हुई काफ़ी सारी रेसिपीज शेयर करी हैं, तो अभी मैं उसके लिए रागी पैनकेक्स बना रही हूँ जो उसको बहुत पसंद आते हैं, और ये कई बार मैं उसके स्कूल के लंच बॉक्स में भी पैक करती हूँ, तो ये मैं उसके लिए बनाने वाली हूँ। और शाम को जैसे इवनिंग में बच्चों को कोई ना कोई स्नैक तो अच्छा लगता ही है देना, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ वेरिएशंस बनाती रहती हूँ कि वो बोर ना हो, और हो सके तो जो भी उसको शाम को देती हूँ थोड़ा हेल्दी दूँ। आप क्या ड्रॉ करोगे? अगर आपके घर में भी बेरीज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ना, तो सच में ये वाला बॉक्स जो मैंने लिया था बहुत हेल्पफुल है, ये जितना भी मॉइस्चर है ना वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके ना ऐसे नीचे चला जाता है उससे, और बेरीज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अदरवाइज़ ज़्यादातर बेरीज जो ख़राब इसलिए जल्दी होती है क्योंकि इसमें मॉइस्चर काफ़ी लग जाता है और जल्दी उस पर ना ऐसे मोल्ड आ जाता है, बट सच में दिस इज़ सच अ गुड इन्वेस्टमेंट। एंड देन जब तक उसका पैनकेक रेडी हो रहा है तब तक मैंने किचन भी क्लीन कर लिया और उसको मैं उसको पैनकेक सर्व करने वाली हूँ। बहुत यम्मी रेसिपी है, अगर बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी बहुत यम्मी रेसिपी है वाली, एंड इट्स वेरी वेरी हेल्दी। आई फील सो गुड अपनी क्लॉसेट को अच्छे से ऐसे देखने में, एंड आई वॉज लिटरली वेटिंग कि सनी जब देखेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज, तो वो मेरे को हमेशा ये कहता है अपनी क्लॉसेट देखो कैसी हो रही है, बट आई एम सो हैप्पी कि मैं फाइनली आज मैंने उसको क्लीन कर लिया है। और एवरी डे ना घर में मैं ऐसे ना 10 मिनट्स का टाइमर लगा के कोई ना कॉर्नर को क्लीन कर लेती हूँ, ऑल्दो क्लॉसेट क्लीन करने मुझे आज करीब 1.5 घंटे लगे, बट जैसे बाथरूम रोज ऐसे मैसी हो जाता है ना बार बार, तो उसको ऐसे मैं 10 मिनट्स लगाती हूँ, कभी ये वाला बाथरूम, कभी बाहर वाला गेस्ट बाथरूम या बेसमेंट वाला बाथरूम, ऐसे कर करके छोटी छोटी चीज़ें क्लीन होती है टाइम से, और काफ़ी सारा आपकी प्रोडक्टिविटी भी एकदम लेवल पे रहती है। तो जल्दी से मैंने अपना बाथरूम क्लीन कर लिया है, एंड इट्स टाइम टू चेंज माय क्लोथ्स। और सच में नाइट सूट पहनने के बाद आई फील है कि अच्छा अब फाइनली मैं थोड़े से रिलैक्स मोड में आ सकती हूँ। मॉर्निंग आवर्स में अगर आपको भी रश फील होता है जैसे मुझे होता है ना, उसके लिए बहुत अच्छी टिप है, जब बच्चों के कपड़े आप लगाते हो ना, स्पेशली लॉन्ड्री करते हो एकदम फ्रेश, उसी टाइम ना ऐसे 5 pairs एक साथ बना लो, सो डैट वो सारे पेयर्स को अगर आप एक जगह रख दो और एवरी मॉर्निंग आपके पास एक पेयर रेडी होता है स्कूल लेके जाने के लिए, तो अब एवरी मॉर्निंग शार्लेट में ऐसे डिसाइड नहीं करते हमें क्या पहनना है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमने क्या डिसाइड करा हुआ है मंडे ट्यूसडे वेंसडे या थर्सडे के लिए।
सिंस जब से ये डेलाइट सेविंग वाला इशू ओवर हो गया है, अब इतनी आराम से रात के 8-8:30 बजे तक बाहर सनलाइट होती है, बहुत अच्छा लगने लग गया है दोबारा से। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ दाल राइस। जिस दिन ऐसे डेलाइट सेविंग वाला हुआ था तो उस दिन रात को 2 बजने की जगह 3 बज गए थे, एंड ऑनेस्टली आई फील कि मुझे जेट लैग हो गया है क्योंकि 1 घंटा नींद में से कम हो गया था। बट आई एम सो हैप्पी कि गर्मियों के दिन आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिलेगी जो हम सर्दियों में सबसे ज़्यादा क्रेव करते हैं। रात को सिंपल सोल फूड खाने का मन था तो दाल राइस से बेस्ट तो मुझे और कुछ लगा ही नहीं। और शार्लेट और मैं दोनों बहुत इन्जॉय करते हैं वंस इन अ वाइल ऐसे दाल राइस में थोड़ा देसी घी वगैरह डाल के खाने को। मेरी मम्मा ना खाने में जब भी तड़के लगाती थी, स्पेशली दाल में या कड़ी में, ना लाल सूखी मिर्च के साथ खाना खाती थी, तो मैं हमेशा सोचती यार इतना स्पाइसी कैसे खा लेती हैं। अनटिल लास्ट ईयर जब से मुझे इतना स्पाइसी खाना पसंद आ गया, अब मैं भी अपना कोई भी तड़का ना बिना सूखी लाल मिर्च के लगाती ही नहीं हूँ। और सच में जो उसका टेस्ट आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। कल फ्राइडे है और कल है शार्लेट की पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, तो उसके लिए हमें बहुत लेट स्कूल जाना है। तो आज हम लोग थोड़ा सा लेट सोएंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, कोई अच्छी मूवी देखेंगे, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो देख ही लेंगे, क्योंकि मुझे पता है पूरी मूवी बच्चों के साथ देखना एकदम इम्पॉसिबल टास्क है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट फ्राइडे। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय। Thank you.